देखिए परिवर्तन यात्रा जो हमारी हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने बेणेश्वर धाम से इसका शुभारंभ किया था, ये हमारी 52 विधानसभाओं में ले जाएगी और आज इसका 9वां दिन है और आज चित्तौड़गढ़ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार हमारे प्रदेश में जिस तरह से इसने प्रदेश की जनता को परेशान कर रखा है, मूलभूत सुविधाएं नहीं दे रही है, जो उनका अधिकार है वो भी उनको मिल नहीं रहा है, जैसे महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है, मोबाइल फोन का क्या होगा जो सुरक्षा ही नहीं, घर से बाहर ही नहीं जा सकती महिला डरती है, किसानों को जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, यहाँ ये हालत है कि इतने सारे हमारे 20,000 से ज्यादा किसानों की जमीनें नीलाम हो गई है, इतने सारे किसानों ने दर्जनों किसानों ने आत्महत्या की है, 19 बार फील्ड के पेपर लीक हुए हैं, ये युवाओं के साथ इन्होंने अन्याय किया है, हर प्रकार से बिजली इतनी ज्यादा महंगी हो गई है, यहाँ इन्होंने ये कहा बिजली हम लोग फ्री करेंगे, 200 यूनिट फ्री करेंगे, क्या क्या फ्री करोगे आप, बिजली के बिल 3-4 गुना बढ़ते आ रहे हैं, क्या बात करते हो आप, सबसे ज्यादा महंगा डीजल और पेट्रोल राजस्थान में, सबसे ज्यादा महंगाई भी राजस्थान में, बेरोजगारी में भी हम 1 बलात्कार में भी हम 1, अब तो भ्रष्टाचार में भी हम लोग 1 आ चुके हैं, यहाँ सरकारी भवनों में नकद राशि मिलती है, सोना मिलता है, वो वहां पर क्या कर रहा था, किसका था, आज तक किसी ने उसके बारे में क्लैरिटी दी क्या, नहीं दी, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, सरतन से जुदा तो हुआ ही कन्हैया लाल जी के केस में, उसके बाद वापिस कपासन में भी इस तरह की घटना सामने आई है कि इस तरह की धमकी दी गई, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, भू माफियाओं को खुली छूट दी गई है, इन्हीं के मंत्री इन पे अपनी उठा रहे हैं।